हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें, इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप। फिर क्लास 7 में के बाद क्लास 8 की कक्षा में हम पढ़ाई करेंगे सामाजिक अध्ययन की और पढ़ेंगे चैप्टर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के कुछ दिलचस्प प्रतिरूप। संख्याओं के दिलचस्प प्रतिरूप यानी पैटर्न हो सकते हैं, जैसे यहाँ पूर्ण संख्याओं का एक प्रतिरूप दिया गया है। यह प्रतिरूप और कुछ नहीं बल्कि त्रिभुजों के रूप में बिंदुओं की व्यवस्था है। ऐसी संख्याएं जिन्हें त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं यानी ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। पंछियों का झुंड भी कई बार त्रिभुज के आकार में उड़ता है। इसी तरह कई बार हवाई जहाज भी त्रिभुज का आकार बनाते हुए उड़ते हैं। इनकी संख्या भी त्रिभुजाकार संख्या ही होती है। क्या आप अगली 3 त्रिभुजाकार संख्याएं बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। आसान है। अगर आप अगली संख्या से पिछली संख्या को घटाते हैं तो आपको इस तरह का क्रम प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 में 2 जोड़कर 3 प्राप्त होते हैं। इसी तरह 3 में 3 जोड़कर 6, 6 में 4 जोड़कर 10 और 10 में 5 जोड़कर 15 प्राप्त होते हैं। इस क्रम के आधार पर 15 में से 6 जोड़कर अगली संख्या 21 प्राप्त होगी। इस तरह 21 में 7 जोड़कर संख्या 28 और 28 में 8 जोड़कर संख्या 36 प्राप्त होगी। आइए एक और पैटर्न देखें। अगर हम 1, 4, 9, 16 इत्यादि संख्याओं में कोई एक संख्या लेते हैं तो इस संख्या को बिंदुओं के वर्गों यानी स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इन संख्याओं को वर्गाकार संख्याएं यानी स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। क्या आप इन संख्याओं से कोई संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं? विचार करें। यहाँ 1 गुना 1 होता है 1, 2 गुना 2 = 4 होता है, 3 गुना 3 = 9 होता है, 4 गुना 4 = 16 होता है। इसी तरह अगली संख्या 5 गुना 5 = 25 होगी। इस समझ के आधार पर आप और वर्गाकार संख्याएं पता कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में कई बार हमें मौखिक कलन यानी वर्बल कैलकुलेशंस करना आवश्यक हो जाता है। पैटर्न की समझ से मौखिक कलन आसानी से किया जा सकता है। जैसे इस पैटर्न को देखें। यहाँ 1423 - 9 को आसान बनाने के लिए 1423 में 10 मिलाए हैं और 1 घटाया है। इसी तरह 1423 - 99 को आसान बनाने के लिए 1423 में 100 मिलाए हैं और 1 घटाया है। क्या आप 1423 - 999 को इसी प्रकार हल कर पाएंगे? ये इस प्रकार हल किया जा सकता है। क्या आप 9, 99, 999 इत्यादि संख्याओं के व्यवकलन के लिए कोई पैटर्न पता कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। यहाँ 9 को घटाने के स्थान पर पहले हम 10 को घटाएंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। यहाँ
99 को घटाने के स्थान पर पहले हम 100 को घटाएंगे और फिर एक जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ 999 को घटाने के स्थान पर पहले हम 1000 को घटाएंगे और फिर एक जोड़ेंगे। ठीक इसी तरह हम गुणन के लिए भी पैटर्न देख सकते हैं। वीडियो रोककर इस पैटर्न को समझें। यहाँ हमने 999 को गुना करने के स्थान पर 10-1, 100-1 और 1000-1 से गुना किया है। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से इन्हें इस तरह लिखा जा सकता है और आसानी से हल किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के कुछ दिलचस्प प्रतिरूप। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के पैटर्न या प्रतिरूप के कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के दिलचस्प प्रतिरूप के उदाहरण। संतरों की एक पेटी में 189 संतरे रखे जाते हैं। अगर एक ट्रक में संतरों की 120 पेटियां भेजनी है तो कितने संतरे आवश्यक होंगे? दिए उदाहरण से यह पता चलता है कि एक पेटी में संतरों की संख्या है 189। इस तरह से 120 पेटियों में कुल संतरे होंगे 120 × 189। अगर इस गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाना हो तो आप यह कैसे करेंगे? हम 189 को 200-10-1 लिखेंगे। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हल करने पर हमें जवाब प्राप्त होता है 22680। अगला उदाहरण, यदि खिलौनों की एक पेटी में 125 खिलौने रखे जाते हैं तो 64 पेटियों में कितने खिलौने होंगे? चूंकि एक पेटी में खिलौनों की संख्या है 125, इसलिए 64 पेटियों में खिलौनों की संख्या होगी 64 × 125। हम गुणन की संक्रिया से इसका हल तो पा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना कठिन होगा। आइए 5, 25, 125 जैसी संख्याओं से गुणन की आकर्षक विधि सीखें। आइए पहले 64 × 5 को कैसे हल करेंगे यह सीखें। चूंकि 5 = 10/2, जिसे हम 10/2 इस भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस समझ से अगर हमें 64 को 5 के साथ गुना करना हो तो हम इसे 64 × 10/2 के रूप में व्यक्त करेंगे। इसे हल करने के लिए पहले 64 का 2 से विभाजन यानी डिवीजन करेंगे, जिसका परिणाम होगा 32। फिर 32 के साथ 10 का गुणन करेंगे, इससे 320 जवाब प्राप्त होगा। यह विधि बिना लिखे मस्तिष्क में ही यानी मौखिक रूप से आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार से 64 × 25 करना हो तो 25 के स्थान पर 100/4 इस भिन्न का प्रयोग कर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। हल करने पर जवाब 1600 प्राप्त होगा। अब दिए उदाहरण में हमें 64 × 125 के साथ करना हो तो कैसे करेंगे? 125 = 1000/8, इसलिए 125 के स्थान पर 1000/8 व्यक्त करेंगे। फिर 64 का 8 से विभाजन करेंगे और इसके परिणाम 8 को 1000 के साथ गुणन करेंगे, इससे जवाब प्राप्त होगा 8000। इसलिए यदि खिलौनों की एक पेटी में 125 खिलौने रखे जाते हैं तो 64 पेटियों में 8000 खिलौने होंगे। यहाँ हमें 3 प्रतिरूप देखने मिलते हैं। पहले प्रतिरूप 5, 25, 125 इत्यादि में संख्या को 5 से गुना करने से अगली संख्या मिलती है। दूसरे प्रतिरूप 10, 100, 1000 इत्यादि में संख्या को 10 से गुणा करने से अगली संख्या मिलती है। तीसरे प्रतिरूप 2, 4, 8 इत्यादि में संख्या को 2 से गुणा करने से अगली संख्या मिलती है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कर अगला चरण लिखिए। आइए पहले चरण को समझें। यहाँ 5 को 10/2 इस भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया है, जिसका मान 5 के बराबर ही है।
फिर 44 को 2 से विभाजन किया है और आने वाले भागफल के साथ 10 का गुणन किया है। इसी तरह का क्रम 15 और 25 के गुणन के लिए भी प्रयोग किया है। इस प्रकार से अगला चरण होगा 44 × 35, जिसे हम व्यक्त करेंगे भिन्न 70/2 से। फिर हम 44 को 2 से विभाजन करेंगे और आने वाले भागफल 22 के साथ 70 का गुणन करेंगे, जिसे 22 × 70 से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ हमें दो प्रतिरूप देखने मिलते हैं। इस तरह से आज हमने देखे पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूपों के उदाहरण। इस वीडियो से आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप से जुड़ी कुछ साधारण गलतियाँ। साधारण गलती 1, 99 × 9999 = क्या होगा? कई बार उदाहरण का हल प्राप्त करने के लिए दी संख्याओं का गुणा करने की कोशिश की जाती है, जबकि प्रतिरूप की समझ से हल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। गुणन की विधि से 99 × 9999 का हल प्राप्त करना कठिन होता है। कई बार प्रतिरूप का उपयोग कर दिए उदाहरण को 99 × 10000 - 1 लिखा जाता है, लेकिन इसे हल करते समय 99 का गुणा सिर्फ 10000 के साथ किया जाता है। इस गलती के कारण गलत जवाब 989999 दिया जाता है। सही समझ है 99 × 9999 को 99 × 10000 - 1 ऐसे लिखा जा सकता है और हल कोष्ठक में स्थित दोनों संख्याओं से गुणा कर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हल करने पर सही जवाब 990999 = 989901 प्राप्त होता है। साधारण गलती 2, किसी गांव में एक पुस्तकालय बनाया गया। पुस्तकालय में पहले दिन 9 बच्चे, दूसरे दिन 11 बच्चे, तीसरे दिन 14 बच्चे, चौथे दिन 18 बच्चे आए। क्या आप बता कर सकते हैं पुस्तकालय में इसी क्रम से 7वें दिन कितने बच्चे आएंगे? कई बार यह समझने में कठिनाई होती है कि दिए उदाहरण में संख्याएं एक क्रम में है, यानी कि प्रतिरूप में है। इससे छात्र उदाहरण का हल ज्ञात नहीं कर पाते। इसी तरह कई बार प्रतिरूप समझने में जल्दबाजी की जाती है, जैसे सिर्फ पहली दो संख्याओं में अंतर पता किया जाता है और यह समझा जाता है कि प्रतिरूप में दो निकटतम संख्याओं में अंतर उतना ही है, या कई बार अंतिम दो संख्याओं में अंतर ज्ञात किया जाता है और प्रतिरूप में लिखे किन्हीं भी दो निकटतम संख्याओं में वही अंतर होगा यह समझ लिया जाता है। कई बार प्रतिरूप तो ठीक से समझ लिया जाता है, लेकिन प्रतिरूप में आगे आने वाले पद यानी टर्म के बारे में पूछा जाए तो इस पद को ज्ञात करने में कठिनाई होती है। आने वाले पद को ज्ञात करने के लिए प्रतिरूप समझना जरूरी है। यहाँ संख्याएं 9, 11, 14, 18 एक प्रतिरूप बनाते हैं। प्रतिरूप समझने के लिए आइए निकटतम संख्याओं में संबंध ज्ञात करें। यहाँ अगर 11 से 9 घटाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। 14 से 11 घटाने पर परिणाम 3 प्राप्त होता है। इसी तरह 18 से 14 घटाने पर परिणाम 4 प्राप्त होता है। यानी कि इस प्रतिरूप में 9 के साथ 2 जोड़े गए हैं, जिससे अगली संख्या 11 प्राप्त हुई है। फिर 11 के साथ 3 जोड़े गए हैं और इससे परिणाम 14 प्राप्त हुआ है। इसी तरह 14 में 4 जोड़े जाने पर परिणाम 18 प्राप्त हुआ है। इस प्रतिरूप को आगे बढ़ाते हुए आइए 18 में 5 जोड़े, इससे 5वां पद प्राप्त होगा 23। 23 में 6 मिलाने पर 6वां पद प्राप्त होगा 29 और 29 में 7 मिलाने पर 7वां पद प्राप्त होगा 36। यह दिए सवाल का सही जवाब है। इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप से जुड़ी कुछ साधारण गलतियां। बच्चों नमस्कार, सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उसकी अगली कड़ी भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अंतर्गत कई इकाई आते हैं, उन कई इकाइयों पर आपसे बृहद चर्चा करेंगे। उन पर सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेंच
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है और किस तरीके से दोनों आमने सामने होते हैं और उन दोनों के अपने आर्थिक हित साधने के लिए राजनीतिक तत्वों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम इन बातों को अगले कुछ क्षणों में देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अभी तक आपने देखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोप की और अन्य कंपनियां किस तरह से अपना राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करती हैं और उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से अपना प्रभुत्व पूरे भारत में कायम करने का प्रयास करती है। इसी संदर्भ में जब ये व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो भारतीय नवाबों को भी नागवार गुजरता है। इसी क्रम में सबसे पहले अर्काट के नवाब अर्थात कर्नाटक के नवाब को काफ़ी ये बात खराब लगी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे राजनीतिक मामलों में, हमारे व्यापारिक मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसी स्थिति में कर्नाटक के नवाब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर अपना अधिकार करने के लिए आक्रमण कर दिया, लेकिन कर्नाटक के नवाब की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ चुनी हुई और प्रशिक्षित सेना ने कर्नाटक के नवाब के सेना को हरा दिया। अब ये बात साबित होने जा रही है कि भारतीय नवाबों की बड़ी सेना और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी और सुसज्जित सेना का जब मुकाबला हो तो पराजय किसकी होगी और जीत किसकी होगी, ये बात साबित हो चुका कि एक छोटी सी प्रशिक्षित सेना बड़ी सेना को भी हरा सकती है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने कर्नाटक के नवाब के सेना को पराजित कर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में जब आगे हम देखते हैं कि 1750 ईस्वी के आसपास कर्नाटक के नवाब या अर्काट के नवाब के बीच में सत्ता का संघर्ष या उत्तराधिकार का संघर्ष जब शुरू होता है तो कर्नाटक के नवाब के पक्ष में एक पक्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और उस परिस्थिति में जब कर्नाटक के नवाब के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ हार होती है और वहीं वो डिसिसिव पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक या साउथ इंडिया दक्षिण भारत से निकल करके कैसे बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करता है और बंगाल में अपने प्रभुत्व की स्थापना करता है। अब हम जरा बंगाल के तरफ ध्यान अपना केंद्रित करें बच्चों और बंगाल के बारे में आप जानने का प्रयास करें। आप जैसा कि जानते हैं कि बंगाल तत्कालीन भारत का सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध प्रांत हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे मुगलिया सल्तनत, मुगल शासकों का केंद्रीय सत्ता कमजोर होता है तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी होती है और स्थानीय स्तर पर जो शासक हुआ करते थे, उस समय के सशक्त सामंत हुआ करते थे, बड़े दरबारी हुआ करते थे, अपने सत्ता की स्थापना कर लेते थे। इसी में मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने का परिणाम हम देखते हैं कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान, जो उस समय के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, बंगाल में अपने शासन की स्थापना कर लेते हैं। मुर्शिद कुली खान एक काफ़ी सशक्त और काफ़ी सूझबूझ वाले शासक थे। उस समय बंगाल आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध प्रांत था, जिन्होंने बंगाल को
और ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो सदैव राजस्व का एक हिस्सा केंद्रीय सत्ता को देते रहे। उनके बाद बंगाल के शासक के रूप में अली वर्दी खां आते हैं। अली वर्दी खां भी एक काफ़ी योग्य शासक थे और कुशलतापूर्वक बंगाल की राजगद्दी पर वो कब्जा करके बंगाल की राजगद्दी पर आसीन होकर काफ़ी सफलतापूर्वक अपना शासन चलाया। बंगाल में समृद्धि का दौर चल रहा था। उस समय का बंगाल काफ़ी समृद्ध था, वहाँ हर तरह की धन संपदा मौजूद थी। यहाँ तक कि एक इतिहासकार एससी हिल ने कहा कि तत्कालीन जो मुर्शिदाबाद था, उस समय का मुर्शिदाबाद यूरोप के बड़े बड़े जो शहर हुआ करते थे जैसे लंदन, पेरिस आदि से भी काफ़ी समृद्ध था। क्लाइव का कहना था, लॉर्ड क्लाइव का कहना था कि मुर्शिदाबाद में बड़े बड़े धनाढ्य और बड़े बड़े व्यापारी हैं, लेकिन इन व्यापारियों का कद और धन की शक्ति इंग्लैंड के बड़े बड़े धनाढ्य व्यापारियों की शक्ति से भी काफ़ी बड़ी है। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों का बंगाल के धन के प्रति लालच उत्पन्न होना स्वाभाविक था और वो काफ़ी षड्यंत्र करना शुरू भी कर दिए थे। अली वर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला शासक बनता है। वैसे तो सिराजुद्दौला का स्वाभाविक उत्तराधिकार बनता था, लेकिन अन्य लोग भी कई दावेदार के रूप में अपने आप को सामने प्रस्तुत किए। ऐसी परिस्थिति में सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष जारी रहा, सिराजुद्दौला के बीच षड्यंत्र भी होते रहा। इनके सगे संबंधियों घसीटी बेगम जो उनकी मौसी हुआ करती थी, आदि जो उनके दरबारी थे, वो भी सिराजुद्दौला के विरुद्ध संघर्ष या षड्यंत्र में लिप्त होने लगे। अंग्रेज इन्हीं अवसरों की तलाश में थे, अंग्रेज इसी परिस्थिति की चाह में थे। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला शासक बनने के बाद अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापार में गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा था, चुंगी का दुरुपयोग किया जा रहा था, उसको रोकने का हर संभव प्रयास करने का प्रयास किया। आपको बच्चों जानकारी होगी या नहीं जानकारी होगी तो जान लें कि 1717 में फर्रुखसियर के शासक बनने के बाद अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान मिला था। उस फरमान के तहत वो मात्र 3,000 रुपया दे करके पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते थे, उन्हें किसी तरह की चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। इस परिस्थिति में बंगाल को काफ़ी राजस्व की हानि हो रही थी और सिराजुद्दौला इस हानि को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं था। उस परिस्थिति में जब ब्रिटिश अधिकारियों को ये बात भनक लगी कि सिराजुद्दौला हमारे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो भी समानांतर एक षड्यंत्र की प्रक्रिया जारी रखना चाहे। यहाँ के बंगाल के जो बड़े व्यापारी उस समय हुआ करते थे, सेठ जगत सेठ, अमीचंद, मानिकचंद को आप अपने साथ मिलाने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। सिराजुद्दौला के दरबारियों को भी मिलाने का प्रयास किया। उसी में इनका सेनापति एक मीर जाफर था, मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने प्रलोभन देकर के अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। इस बीच सिराजुद्दौला उन परिस्थितियों पर बारीक नज़र रख रहा था और वो एक सेना लेकर के कासिम बाजार पर आक्रमण कर देता है जहां अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। बच्चों, बंगाल के षड्यंत्रपूर्ण स्थिति की जानकारी अब तक आपको हो गई होगी और इस परिस्थिति में युद्ध अवसंभावी दिख रहा था। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच पलासी का युद्ध 1757 के जून के महीने में होता है। पलासी वो जगह थी जहां पलाश के काफ़ी पौधे हुआ करते थे और मुर्शिदाबाद के बगल में ही वो एक स्थान था। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। सिराजुद्दौला के गिने चुने
40,000 करीब सैनिक थे और अंग्रेजी सेना की संख्या काफ़ी कम थी। इसके बावजूद युद्ध के मैदान में धोखे के कारण जो उसका सेनापति मीर जाफर था अंग्रेजों के पक्ष में जाकर के मिल गया और धोखे के कारण पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार होती है। सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से अपना पैर कवार देता है और बाहर भागने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इसी बीच मीर जाफर का पुत्र मीरन सिराजुद्दौला का पीछा करता है और पकड़कर उसकी हत्या कर देता है। पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत होती है और सिराजुद्दौला की हार होती है। इसका असर भारत पर काफ़ी दुर्गामी होता है। अपने विश्वस्त और सिराजुद्दौला का दगाबाज सेनापति मीर जाफर को अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर के नवाब पर बनने के बाद बंगाल का शोषण शुरू होता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दरबार या शाही महल के चांदी सोने आदि को गला करके भी अंग्रेजों को देना पड़ता है। अंग्रेज काफ़ी नोच खसोट करके धन संपदा को लेकर इंग्लैंड जाते हैं। लगभग उस समय की मुद्रा में 60,00,000 पौंड अंग्रेजों ने पलासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर के नवाब बनने के क्रम में अर्जित किया। इस 60,00,000 पौंड की संपदा ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब मीर जाफर अंग्रेजों की मांग पूरी करने में बिल्कुल आश्वस्त नहीं था, असमर्थ हो रहा था और वो अपनी असमर्थता दिखा रहा था। अब अंग्रेजों को मीर जाफर में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए इसने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया शासक नियुक्त किया। मीर कासिम एक काफ़ी योग्य और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसके पास एक दूरदर्शिता थी। अपनी दूरदर्शिता को उसने कई मायनों में साबित भी करने का प्रयास किया। दस्तक के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा था। भारतीय राजस्व को काफ़ी हानि हो रही थी। आप बच्चों जान लें कि दस्तक प्राप्त करने से अंग्रेज व्यापारी किसी भी कोने में बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकते थे और उसका दुष्परिणाम सामने इस रूप में आया कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि अंग्रेज अधिकारी भी अपना निजी व्यापार करना शुरू कर दिए और अपने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। अपने निजी माल को ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बता करके व्यापार करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि भारतीय व्यापारियों को भी अपना माल बता करके उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में बंगाल के राजस्व को काफ़ी हानि हो रही थी। इसी बीच अंग्रेजों ने 1200 रुपये में कोलकाता, गोविंदपुर और सुतानाती तीन गांव की जमींदारी अर्जित कर ली थी, जो आगे चल करके कोलकाता के रूप में जाना गया, आज का कोलकाता, उस समय कलकत्ता, तो आज के कोलकाता के रूप में जाना गया। अब अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी समृद्ध होती जा रही थी, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों के डिमांड को पूरा करने में समर्थ नहीं हो रहा था। उन्होंने दस्तक के दुरुपयोग की जो स्थिति थी उस पर पाबंदी लगाने के लिए या दुरुपयोग को हटाने के लिए उसने पूरे भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक से मुक्त कर दिया। ये बात अंग्रेज व्यापारियों को काफ़ी नागवार गुजरा और मीर कासिम के विरुद्ध
वो षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए और दबाव भी बनाना शुरू कर दिए। लेकिन मीर कासिम एक काफ़ी दूरदर्शी और समझदार शासक था, उत्साही भी था और उसके अंदर शौर्य भी था, ताकत भी थी। वो अपनी दूरदर्शिता को दिखाते हुए मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर स्थापित कर दिया। मुंगेर बच्चों आप जा कर के देख सकते हैं कि मुंगेर में आज भी मीर कासिम का समृद्ध किला बरकरार है, राजा और रानी का महल भी बरकरार है। मुंगेर की काफ़ी ज़बरदस्त उसने किलेबंदी की और अंग्रेज़ों द्वारा या यूरोपियों के द्वारा प्रशिक्षित एक सैनिक टुकड़ी का भी उसने निर्माण किया ताकि विशेष परिस्थिति में अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुकाबला किया जा सके। हालांकि उसे विश्वास था कि अकेले हम मुकाबला करने में बहुत समर्थ नहीं हैं, अतः उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की और उस संधि में ये तय हुआ कि अगर अंग्रेज हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो हम तीनों मिलकर उनका मुकाबला करेंगे और उन्हें पराजित करके इस देश से, इस राज्य से अलग करेंगे और उन्हें बाध्य करेंगे कि राजनीतिक प्रभुत्व वो अपना न दिखाएं या राजनीतिक प्रभुत्व से उन्हें वंचित करेंगे। लेकिन किसी भी युद्ध की अवश्यम्भावी परिस्थितियों ने 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। बक्सर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, एक तरफ मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना थी और दूसरे तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और उस घमासान युद्ध में अंग्रेज़ों को ही जीत मिलती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ सम्मिलित सेनाओं को पराजित करती है और बक्सर के विजेता के रूप में अपने आप को स्थापित करती है। बच्चों आप देखे होंगे कि पलासी की लड़ाई जो 1757 में होती है वो एकमात्र भगदड़ की तरह थी। अनायास युद्ध के मैदान में इकट्ठा होना और षड्यंत्र पूर्वक शासक की हत्या कर देना, दगाबाजी करना वो भी सेनापति के द्वारा, लेकिन बक्सर की लड़ाई तो काफ़ी सुनियोजित थी। मीर कासिम ने अपने पक्ष का भी निर्माण किया था जिसमें शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और स्वयं मीर कासिम जिसने 40,000 प्रशिक्षित सैनिकों को इकट्ठा किया था अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए, फिर भी पराजय भारतीय पक्ष की ही हुई, मीर कासिम के पक्ष की ही हुई। अब 1764 के बक्सर की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित होगा और स्थापित हो गया। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की एक संधि होती है और इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों और शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, चूँकि उस समय शाह आलम द्वितीय ही भारत के प्रतिनिधि शासक थे। शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है और 1764 के बाद अर्थात 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में द्वैध शासन की स्थापना होती है। कंपनी को तो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की आवश्यकता थी, धन अर्जन की आवश्यकता थी और अपना शासन चलाना उसकी न मजबूरी थी न उसका कोई शौक था उस समय, लेकिन अपने मनोनुकूल शासक को वो बैठाना चाहते थे ताकि बंगाल के राजस्व पर हमारा अधिकार हो, राजस्व की वसूली हम करें और जिनको हम शासक बनाएं वहाँ के सत्ता का संचालन करें, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का संचालन करें, लेकिन जो लाभ हो वो हमें प्राप्त होता रहे। ऐसी स्थिति में राजा राम राय और सीताब राय को बंगाल का नवाब और बंगाल और बिहार का नवाब या उसकी सत्ता सौंपी जाती है और इस द्वैध शासन में अर्थात दो भागों में वो शासन बटा हुआ है, अर्थ
अर्थ पर अंग्रेजों का अधिकार, राजनीति और प्रशासन पर भारतीयों का अधिकार। इस परिस्थिति में भारत अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में बिल्कुल दबे हुए पाते हैं और उनका शोषण लगातार जारी रहता है। और इस तरह से अंग्रेज बंगाल के शोषण को द्वैत शासन के माध्यम से जारी रखते हैं और बंगाल का भविष्य अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक प्रभुत्व में अनायास काफ़ी वृद्धि हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल के बाहर के राज्यों में भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों के साथ सहायक संधि प्रणाली स्थापित करता है। सहायक संधि से तात्पर्य है बच्चों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन राज्यों को मदद करेगी जो इनसे मदद की अपेक्षा रखेंगे, खास करके विदेश मामलों में, संचार मामलों में या फिर अन्य मामलों में यथासंभव जितना आप डिमांड करते हैं, सेना का डिमांड करते हैं, उस मामले में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी मदद करेगी। विदेश नीति के संचालन में भी आपकी मदद करेगी या फिर अन्य कार्यों में आपकी मदद कर सकती है। इसी सहायक संधि प्रणाली के तहत एक रेजिडेंट व्यवस्था भी की गई और इस रेजिडेंट व्यवस्था के तहत जिस राज्यों के साथ या जिन राज्यों के साथ सहायक संधि की गई थी या की जाती थी उसमें एक रेजिडेंट रखा जाता था और ये रेजिडेंट रह करके शासन के दिन प्रतिदिन के कामों में भी हस्तक्षेप करते थे और ये उनके बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, सेनापतियों की नियुक्ति, उनके बड़े बड़े नुमाइंदों के नियुक्ति में हस्तक्षेप किया करते थे, उनके नीति के निर्माण में हस्तक्षेप किया करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस सहायक संधि की प्रणाली ने जिन जिन शासकों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने सहायक संधि की उस पर अपरोक्ष रूप से इनका अधिकार हो गया और ये इन पर आश्रित हो गए। इसमें सबसे पहला राज्य जो सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करता है वो हैदराबाद का राज्य है, हैदराबाद के निजाम करते हैं, उसके बाद अवध का शासक करता है। इसी तरह से धीरे धीरे आगे चल करके बहुत सारे शासक, बहुत सारे लोग धीरे धीरे इस सहायक संधि प्रणाली के मकड़ जाल में पड़ जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों गिरवी रख देते हैं। इसी तरह से अंग्रेजों ने जब सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से या प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से भारतीय राज्यों पर जब वो अधिकार करते हैं और इसकी प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेते हैं, वैसी परिस्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सशक्त हो जाती है तो विलय की नीति का सहारा लेती है, जिसे हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसे कहा जाता है। इसके तहत उन राज्यों को हड़प लिया जाता है जिसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हैं। जिन राज्यों के उत्तराधिकारी नहीं हैं वो राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प लिए जाते हैं। इनमें नागपुर, सतारा, झांसी, संभल, जैतपुर आदि राज्य आप देख सकते हैं कि इन्हें हड़प लिया जाता है और वे अंग्रेजी राज्य के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्सा बन जाते हैं। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय नवाबों में, भारतीय राजाओं में भी असंतोष की लहर चल रही थी और कुछ शासकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी चुनौती दी और इनकी नीतियों को स्वीकार नहीं किया। भारत के
कुछ गिने चुने राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि या इसकी इनकी प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं किया और इनसे युद्ध करना या इनके नीतियों का विरोध करना ही अपना उत्तरदायित्व समझा। उसमें मैसूर का राज्य सर्वप्रथम है। मैसूर के राज्य का जो शासक उस समय हैदर अली था, 1761 में हैदर अली मैसूर के सत्ता की बागडोर को संभालता है। मैं उसके संदर्भ में आप थोड़ा जान लें, हैदर अली एक सामान्य सैनिक से लेकर राज्य के सेनापति और राजा तक का सफ़र वो तय करता है और काफ़ी तीक्ष्ण और विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति है। हालांकि बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन अपने प्रतिमतित्व, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण वो मैसूर की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होता है। हैदर अली अंग्रेज़ों को पराजित भी करता है और अंग्रेज़ों को की कूटनीतिक जाल में नहीं फंसते हुए कभी कभी कूटनीतिक पराजय भी अंग्रेज़ों को झेलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन 1782 में हैदर अली के मरने के बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान सत्ता पर बैठता है, लेकिन टीपू सुल्तान एक बहादुर सैनिक होने के बावजूद अंग्रेज़ों से पराजित होता है और 1799 ईस्वी में, जो 1782 में मैसूर की गद्दी पर बैठता है और अंग्रेज़ों से दो युद्ध वो लड़ता है। एक युद्ध में उसे संधि के पश्चात अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ता है और दूसरे युद्ध में वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाता है। श्रीरंगपट्टनम जो उस समय मैसूर की राजधानी थी उसके दरवाजे पर वो युद्ध करते हुए मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। टीपू सुल्तान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह काफ़ी समृद्ध, वैचारिक रूप से काफ़ी समृद्ध शासक था और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों का घोर विरोधी था। यहाँ तक कि वो फ्रांस की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई फ्रांस में उसके आदर्शों का अनुपालन करता था और यहाँ तक कि वो जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। उसकी निजी बहादुरी की गाथा आप इस रूप में जानेंगे कि वो एक फ्रेंच, अपने फ्रेंच मित्र के साथ जंगल में सैर करने गया, उसी बीच एक बाघ उस पर आक्रमण कर देता है और उस बाघ को अपने कटार के माध्यम से मार करके अपनी जान को बचाता है। इसी कारण उसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है। वह निजी स्वतंत्रता का इतना बड़ा समर्थक था कि फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था और बहादुरी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हुए मारा गया। लेकिन इनके मरने के बाद मैसूर की वो स्थिति नहीं रही और अंग्रेज़ पूरे राज्य पर आधिपत्य स्थापित करके पुराने शासक वाडियार वंश को मैसूर की सत्ता सौंप देते हैं और अधिकांश भागों पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं और मैसूर को अपने अधीनस्थ राज्य का दर्जा दे करके वहाँ भी अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करते हैं, अपने राज्य का विस्तार मैसूर तक कर लेते हैं। बच्चों, आपने अभी तक देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर पर अपना आधिपत्य कैसे स्थापित करती है। उसी के समानांतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों का भी संघर्ष चल रहा था, जिसे आंग्ल मराठा संघर्ष के रूप में भी हम जानते हैं। 1761 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में मराठों की जो पराजय हुई, उसके बाद उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। इसके बावजूद भी भारत के काफ़ी हिस्से पर उनका प्रभाव था और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगता था कि पूरे भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए हमें मराठों को पराजित करना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में मराठों के पास उस समय योग्य शासकों का, योग्य सेनापतियों का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा था। इसके बावजूद 1761 की पराजय के बाद
मराठे अपने आप को काफ़ी हद तक एकजुट करने में सफल रहे, लेकिन अंततः इनकी पराजय ही हुई। प्रथम युद्ध जो 1775 से 1782 के बीच में चला, उस युद्ध में भी मराठों की पराजय हुई। दूसरी युद्ध जो 1802 से 1805 के बीच में चला, उस युद्ध में भी अंग्रेजों के द्वारा मराठों की पराजय हुई। और तीसरे युद्ध 1817-18 में जो हुई, उसमें भी अंतिम पराजय मराठों की हुई और पूरे मराठा साम्राज्य पर, मराठा राज्य पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। इस क्रम में हम देखते हैं कि आखिर मराठों की पराजय क्यों और कैसे हुई। इतनी सशक्त सेना, इतने कुशल योद्धा, इतने उत्साही योद्धा, इसके बावजूद भी मराठों की पराजय हुई। तो हम इस संदर्भ में देखते हैं तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि मराठे आपस में बटे हुए थे। पूना मराठों का केंद्र था, वहाँ पेशवा उनका राजा हुआ करता था और केंद्रीय सत्ता पेशवा के हाथ में थी। लेकिन इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया, ये सभी आपस में बटे हुए थे और एक दूसरे से ईर्षा द्वेष में जीते थे। और जब इनके अंदर एक अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागती थी तो वो समर्पित होकर एक दूसरे के सहयोग के साथ युद्ध नहीं करते थे। उस परिस्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को पराजित किया और अंततः पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन चला गया। वहाँ के मराठों के कई शासक पेंशन पर आधारित हो गए, पेशवा को पेंशन दे दिया गया। इंदौर के होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले आदि की प्रतिष्ठा धीरे धीरे समाप्त हो गई और उनकी वो स्थिति नहीं रही जो पहले थी। अब वो अंग्रेजों के एक अधीनस्थ शासक के रूप में सिर्फ और सिर्फ रह गए। इसी तरह हम देखते हैं कि पंजाब में अंग्रेजों का युद्ध होता है और पंजाब पर भी वो अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। लेकिन जब तक महाराणा रणजीत सिंह का शासन पंजाब में रहा, अंग्रेजों ने अपनी प्रभुसत्ता वहाँ स्थापित नहीं की। हालांकि अमृतसर की संधि या कई अन्य संधियों के माध्यम से जरूर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया। जब तक पंजाब के शासक महाराणा रणजीत सिंह रहे, अंग्रेजों ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि अमृतसर की संधि जो 1809 में होती है, उस संदर्भ में कुछ वहाँ से नियंत्रण का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन काफ़ी हद तक हस्तक्षेप मुक्त पंजाब रहा। उस समय के पंजाब में आधुनिक पंजाब जो भारत का हिस्सा है और जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर का पूरा राज्य पंजाब का हिस्सा था। लेकिन 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा। कारण, महाराजा की मृत्यु के पश्चात कोई सुयोग्य शासक नहीं था और आपस में सत्ता के लिए, सत्ता लोलुपता के कारण अपना जो उनके अंदर शक्ति थी वो खो रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र में लिप्त हो गए थे और उस षड्यंत्र का फायदा उठा करके 1844-45 में अंग्रेजों ने पंजाब को या पंजाब के शासकों को एक बार हराया और अंतिम रूप से 1849 आते आते अंतिम पराजय पंजाब को झेलनी पड़ी और पंजाब अंततः अंग्रेजों का गुलाम हो गया। पंजाब पर भी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता की स्थापना हुई। अंततः, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि शेष जो भारतीय राज्य बचे हुए थे वो विलय नीति के माध्यम से अंग्रेजों के कब्जे में चले गए।
विलय नीति के माध्यम से सतारा, नागपुर, संभल, जैतपुर, झांसी आदि राज्यों को अपने अंदर मिला लिया गया और एक संपूर्ण भारत को लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकूमत के तले ला दिया गया और पूरा भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की का कब्जा हो गया, पूरा भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे कई राजाओं के कब्जे में चला गया था, कई सामंत प्रांतों पर कब्जा कर चुके थे और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कभी भी ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मिलकर उन्होंने संघर्ष नहीं किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके सभी राजाओं को पराजित करती चली गई और वे खुद जो एक साहसी और पराक्रमी योद्धा थे, साहस और पराक्रम के बावजूद अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अन्य बातें हम देखते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक प्रशिक्षित सैनिकों का समूह था, उनके पास अत्याधुनिक हथियार, गोले बारूद और साजो सामान थे। उनका मुकाबला भारतीय राज्य नहीं कर पाए। ये उस समय घोड़े, तलवार, भाला, बर्छी आदि से युद्ध करते थे। इनके पास अत्याधुनिक बंदूकें नहीं थी, अत्याधुनिक तोप नहीं, हल्की तोपें नहीं थी, जिसके कारण ये अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। इनके पास ऐसी युद्ध नीति नहीं थी जिसके कारण ये अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। दूसरे तरफ अंग्रेजों के पास काफ़ी योग्य सेनानायक थे। इसके पास लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, कार्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी सरीखे काफ़ी योग्य सेनानायक थे। उन्हें भारतीय परिस्थितियों की सूझबूझ हो गई थी, भारतीय कूटनीति को वो समझने लगे थे, वे फूट डालो और शासन करो में विश्वास करने लगे थे, यहाँ के लोगों की लोलुपता को समझने लगे थे और उसका सहारा लेकर, प्रलोभन देकर के यहाँ के लोगों को अपने तरफ मिलाकर, अपने ही लोगों के साथ संघर्ष करवाकर स्वयं को जीतते चले गए। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।